आज के फनकार। सुनने वालों को यूनुस खान का नमस्कार। आज हम एक बड़े ही दिलचस्प गीतकार के बारे में बातें करने जा रहे हैं। तमाम बातें तो ठीक हैं, लेकिन अब क्या करें, इस गीतकार का नाम ही बावरा है। जाहिर है कि बावरेपन की बहुत सारी निशानियां होंगी इनकी इस दास्तान में। दीवाने हैं दीवानों को ना घर चाहिए ना दर चाहिए, मोहब्बत भरी एक नजर चाहिए नजर चाहिए। जवानी में जवानी के सहारे हो जवा मेरे मेहरबा, मुझे तू ही तू हम सफर चाहिए। दीवाने हैं दीवानों को ना घर चाहिए ना दर चाहिए, मोहब्बत भरी एक नजर चाहिए नजर चाहिए। आज के फनकार कार्यक्रम आज गुलशन बावरा पर केंद्रित है, एक ऐसी जुनूनी शख्सियत पर जिन्होंने अपनी शर्तों पर काम किया और फिल्म संसार में जबरदस्त नाम कमाया। एक मैं और एक तू दोनों मिले इस तरह, और जो तन मन में हो रहा है ये तो होना ही था। एक मैं और एक तू दोनों मिले इस तरह, और जो तन मन में हो रहा है ये तो होना ही था। संवेदनशील गाने लिखे तो दूसरी तरफ उन्होंने कुछ बड़े ही मस्ती भरे गाने भी लिखे। दुखी पे दुखी हो या सत्य पे सता, दुखी पे दुखी हो या सत्य पे सता, गौर से देखा जाए तो बस है पते पे पता, कोई फर्क नहीं अलबत्ता कोई फर्क नहीं अलबत्ता। उन्होंने दोस्ती का फलसफा भी हमें समझाया। यारी है ईमान मेरा यार मेरी जिंदगी, यारी है ईमान मेरा यार मेरी जिंदगी, प्यार हो बंदों से ये प्यार हो बंदों से ये सबसे बड़ी है बंदगी। यारी है ईमान मेरा यार मेरी जिंदगी। देखिए जी, मेरा जन्म 13 अप्रैल 1938 को
जिला शेखुपुरा में हुआ जो आजकल पाकिस्तान में है। साखी वाले दिन मैं जन्मा था, कुछ साल पंजाब में रहे, उसके बाद पार्टीशन हो गया। ये तकदीर का ही खेल है कि जब पाकिस्तान बना और उसके बाद हम लोग हिंदुस्तान में आए तो मैं तो अपने माता पिता खो चुका था। लकीली देखिए, हमारी एक बहन है कौशल्या देवी जो जयपुर में रहती थी। पढ़ाई लिखाई के बाद गुलशन बावरा को शौक लग गया लिखने का और वो चले आए मुंबई। जब मैं आया था बम्बई में 1955 में, तो मुझे लगता है बम्बई की पॉपुलेशन 10 लाख थी, और आज इतनी पब्लिक को देखना, उनसे वाकफियत करना, उनसे बोलना। लेकिन मुंबई वो सिर्फ लिखने के लिए नहीं आए थे, वो तो आए थे गायक बनने के लिए। आपको बता दें कि गुलशन बावरा को रेलवे में नौकरी मिल गई थी और कोटा में उनकी पोस्टिंग हुई, और उसके बाद वो चले आए मुंबई। सन 1955 में वो मुंबई आए, रेलवे में क्लर्की करते और बाकी समय में फिल्मों में लिखने के लिए और गायकी के लिए जद्दोजहद करते। मुंबई ऐसी नगरी है कि यहाँ पर आदमी अगर 6 दिन रह जाए, 7वें दिन उसको कोई ना कोई काम मिल जाता है और बम्बई उसको अपना लेती है। जैसे फिल्म इंडस्ट्री जैसी कोई इंडस्ट्री नहीं है, तो मैं इसलिए फिल्म इंडस्ट्री को अपनी माँ से भी ज्यादा इज्जत देता हूँ। यही वो दिन थे जब रेलवे में माल गोदाम की नौकरी के दौरान उन्होंने देखा कि पंजाब से आई मालगाड़ी गेहूं के एक के बाद एक बोरे उतारे चली जा रही है। गेहूं की इस जबरदस्त पैदावार को देखकर गुलशन बावरा के मन का जो गीतकार था वो कह उठा, मेरे देश की धरती सोना उगले, उगले हीरे मोती। ये कविता उन्होंने अपनी डायरी में लिखकर रख ली और मनोज कुमार को उन्होंने दिखाई, जो उन दिनों में संघर्ष कर रहे थे और गुलशन बावरा के दोस्त भी थे। मनोज कुमार को ये कविता याद रह गई। आगे चलकर जब उन्होंने फिल्म उपकार बनाई तो इस कविता को एक नामी गीत में बदल दिया गया। मेरे देश की धरती सोना उगले, उगले हीरे मोती, मेरे देश की धरती, मेरे देश की धरती, मेरे देश की धरती, सोना उगले, उगले हीरे मोती, मेरे देश की धरती, मेरे देश की धरती। मुस्काते हैं हीरे मोती, मेरे देश की धरती।
जब चलते हैं इस धरती पे हल ममता अंगड़ाइयां लेती है, अंगड़ाइयां लेती है। जो ना पूछे इस माटी को जो जीवन का सुख देती है, जो जीवन का सुख देती है। बावरा का नाम गुलशन बावरा कैसे पड़ा, इसकी भी एक कहानी है। बात यूं है, जब मैं नया नया दिल्ली से आया था तो मेरा कुछ रहने या कपड़ों का स्टाइल कुछ ऐसा था जो दिल्ली वाले नीले पीले कपड़े और पहना करता था, तो लोग मुझे गीतकार समझ ही नहीं रहे थे, कुछ कॉमेडियन टाइप का समझते थे। गीत लिखा चांदी के चंद टुकड़ों के लिए ईमान को बेचा जा। तो जब वो गीत रिकॉर्ड हुआ उसके साथ ही मेरा दूसरा गाना रिकॉर्ड हुआ, तुम्हें याद होगा कभी हम मिले। तो एक दफा कल्याण जी भाई के घर में एक डिस्ट्रीब्यूटर बैठा हुआ था, तो उसने बोला एक तीसरा गाना लिखना था भजन, तो उसने उसको बोला कि ये गाने तुम उसी से ही लिखवाओ जिसने ये दोनों गाने लिखे। तो बोले ये सामने बैठा हुआ है लड़का, इसी ने लिखा है वो गाना। तो बोले झूठ मत बोलो कल्याण जी भाई, आपका जोक मारने का स्टाइल है, ये क्या लिखेगा, ये तो पॉकेटमार बावरा। उस फिल्म में शैलेंद्र और हर्षद के भी गीत थे, तो उन्होंने रविंदर भाई से पूछा कि रवीन भाई ये कल्याण जी करेक्ट बोल रहे हैं ये गाने इसी ने लिखे हैं? बोले हाँ बिल्कुल इसी लड़के ने लिखे हैं। तो बोले अगर ये गाने इसने लिखे हैं तो मैं इसका ही नाम दूंगा बैनर पर और लिखूंगा गुलशन बावरा, ये बावरा सा लगता है, उस हिसाब से मेरा नाम गुलशन बावरा पड़ गया। तो भाई वहीं से गुलशन कुमार मेहता बन गए गुलशन बावरा। सबसे पहले गुलशन बावरा ने सन 1959 में कल्याण जी वीरजी शाह के संगीत निर्देशन में अपना पहला गीत लिखा जिसे लता मंगेशकर ने गाया। वो गाना था मैं क्या जानू काहे लागे ये सावन मत वाला रे, डूब जवा
1961 में गुलशन बावरा ने अपनी नौकरी छोड़ दी और पूरी ताकत से फिल्मों में गाने लिखने लगे। गुलशन बावरा ने सबसे ज्यादा काम आर डी बर्मन के साथ किया। पंचम के साथ उनकी दोस्ती बड़ी ही मशहूर रही है। गुलशन बावरा ने एक एल्बम भी जारी किया जिसमें वो पंचम से जुड़ी दोस्ती की और गाने बनने की कहानियां सुनाते हैं। ऐसी ही एक कहानी है जिसमें गुलशन बावरा ने बताया था कि एक दिन बारिश का समय था और पंचम का उनके पास फोन आया। उन्होंने फोन पर गुलशन बावरा को एक धुन दी जो थी चाबू चाबू चिया चिया चाबू चाबू चिया। गुलशन बावरा ने कहा, ये क्या है, इस पर मैं क्या गाना लिखूं? तो पंचम ने कहा कि तुम वहीं रुको, मैं तुम्हारे घर पर आता हूं। दरवाजा खटका और पंचम गुलशन बावरा के घर में घुसते हुए गाना गाने लगे। मक्के की रोटी पकाना अंजू, सरसों का साग बनाना अंजू, गीत क्या है, धुन क्या है, तू समझ गया गुल्लू, अब जल्दी से लिख दे गाना गुल्लू। और वो गाना था, बड़े ही सुंदर और मस्ती भरे माहौल में गुलशन बावरा और पंचम ने कुछ अनमोल गाने दिए। गुलशन बावरा को दो बार फिल्म फेयर अवार्ड मिला। सन 1974 में जंजीर फिल्म के इस गाने के लिए। यारी है ईमान मेरा, यार मेरी जिंदगी, अरे यारी है ईमान मेरा, यार मेरी जिंदगी, प्यार हो बंदों से ये, प्यार हो बंदों से ये सबसे बड़ी है बंदगी। यारी है ईमान मेरा, यार मेरी जिंदगी। और सन 1968 में फिल्म उपकार के इस गाने के लिए। ओ मेरे देश की धरती सोना, उगले उगले हीरे मोती, मेरे देश की धरती। जरा हाथ की सफाई फिल्म का ये गाना सुन लीजिए और ये सोचिए कि गुलशन बावरा ने किस तरह के मजेदार और सुरीले गाने दिए फिल्म वादा। Yeah.
बहुत लंबे समय तक लिखते रहे, यहाँ तक कि अजय देवगन के अभिनय वाली हकीकत फिल्म का ये मशहूर गाना सुनिए जो उनके बाद के दौर का गाना है। आप पपिया जपिया पाले हम, अतियों के पेच लड़ा ले हम। आप पपिया जपिया पाले हम, अतियों के पेच लड़ा ले हम। दिल में है खलबली ओ मेरी चुलबुली, खुल के मिले आज हम। पाले हम अखियों के पेच लड़ा ले हम। ले पपिया जपिया पाले हम, अखियों के पेच लड़ा ले हम। लेकिन उनके सबसे मजेदार गाने तो वही हैं जो 70 और 80 के दशक में उन्होंने दिए, जैसे झूठा कहीं का फिल्म का ये गाना। जीवन के हर मोड़ पे मिल जाएंगे हम सफर, जो दूर तक साथ दे नजर। जीवन के हर मोड़ पे मिल जाएंगे हम सफर, जो दूर तक साथ दे ढूंढे उसी को नजर। तू वही है जिसको ढूंढे कब से मेरी दो निगाहें, हे चलते चलते मिल जाए हम अपना छोटा सा घर। जीवन के हर मोड़ पे मिल जाएंगे हम सफर, जो दूर तक साथ दे ढूंढे उसी को नजर। वैसे आपको बता दें कि गुलशन बावरा पर्दे पर भी नजर आए फिल्म जंजीर के इस गाने में। जो शख्स हारमोनियम बजाता हुआ थिरक रहा है वो गुलशन बावरा ही हैं। दीवाने हैं दीवानों को ना घर चाहिए ना दर चाहिए, मोहब्बत भरी एक नजर चाहिए नजर चाहिए। जवानी में जवानी के सहारे हो जवा मेरे, इशारे हुए
गई है जुबां प्यार में, नजर बन गई है जुबां प्यार में, मजा आ गया जीत का हार में। संसार को इतने बढ़िया गीत देने वाला ये गीतकार 7 अगस्त 2009 को चुपचाप इस दुनिया से चला गया। इस धरती पे जिसने जन्म लिया उसने ही पाया प्यार तेरा, के फनकार कार्यक्रम आज केंद्रित था फिल्म संसार को बहुत ही मस्ती भरे और अनमोल गाने देने वाले गीतकार गुलशन बावरा पर। शोध आलेख और स्वर यूनुस खान, संपादन और प्रस्तुति रमेश गोखले की। अब दीजिए इजाजत, नमस्कार। आज के फनकार।